दोस्तों कहते हैं जो भी नाग देवता को मानता है अगर वो संकट में हो तो नागदेव स्वयं हर हाल में उसकी रक्षा को आते हैं। कितने लोगों के तो कुल देवता ही नागदेव हैं। एक ऐसी ही सच्ची घटना हम आपको आज दिखाने वाले हैं जब नागदेव ने अपना चमत्कार गांव वालों को दिखाया। ये घटना यूपी के अलीगढ़ में रहने वाले सुमन शर्मा जी की है। सुमन महादेव की भक्त है और नागदेव की भी। जब भी शिवरात्रि होती है तो महादेव शिव को नंगे पैरों चलकर पास के नदी से जल लाकर वह चढ़ाती है। हर नाग पंचमी पर वह नागों को दूध भी जरूर पिलाती है। शायद इसी कारण उस दिन महादेव और नागदेव दोनों की ही कृपा सुमन पर बरसी कि वह मौत के मुंह से बची। इसीलिए तो कहा जाता है अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। और दोस्तों इस बात में कोई दो राय नहीं। दोस्तों सुमन शर्मा का रोज का नियम था कि वह पहले सुबह अपने घर से करीब 5 किलोमीटर दूर नदी पार कर शिव मंदिर जाती, शिव और नागदेव दोनों की पूजा करके घर वापस लौटती। सुमन की भक्ति भावना से गांव का हर एक व्यक्ति परिचित था और सुमन का स्वभाव भी बहुत सरल था। हसमुख थी वो, जिस कारण गांव का हर एक व्यक्ति उसे जानता था। एक बार अलीगढ़ के उस छोटे से गांव में 3 दिन तक लगातार भारी बारिश हुई, परंतु सुमन ने शिव मंदिर जाना नहीं छोड़ा। चौथे दिन भी बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी, परंतु उस दिन भी सुमन ने निश्चय लिया कि वह शिव मंदिर जाएगी। हालांकि सुमन के माता पिता ने उन्हें टोका जरूर था और बोला था कि नदी उफान पर है, रास्ता बहुत खराब है, मत जाओ। इस पर सुमन ने कहा, मुझे मेरे महादेव पर भरोसा है, वे मुझे कुछ नहीं होने देंगे। और वह घर से शिव मंदिर के लिए निकल पड़ी। जैसे ही सुमन अभी आधे रास्ते पहुंची ही थी कि अचानक जोर जोर से बारिश होने लगी। आसमान में बहुत जोरों से बिजली गरज रही थी, मानो जैसे बहुत गुस्से में हो। सुमन जब नदी के पास पहुंची तो देखा कि नदी तो उफान में है, किसी भी तरीके से पार करना मुश्किल है। फिर भी सुमन ने हिम्मत नहीं हारी और महादेव को मन में याद करते हुए उनका जोर जोर से नाम जपने लगी और नदी को पार करने लगी। तभी एक भयानक नदी की लहर सीधे सुमन से जा टकराती है, जिससे ही सुमन नदी में डूबने लगती है। वो नदी के अंदर इतना डूब चुकी थी कि उसे लगा कि अब बचना नामुमकिन है। अब उसकी मौत जब उसने अपने पास देखी तो अपने इस अंतिम समय में उसने महादेव का नाम स्मरण किया और याद करके महामृत्युंजय मंत्र का जप करने लगी। परंतु अभी कुछ सेकंड ही हुए होंगे कि पानी में सांस ढंग से न मिल पाने के कारण वह बेहोश होने लगी थी। परंतु तब एक अजीब घटना घटी। सुमन बताती है कि जब मैं बेहोश थी तो मुझे एक विचित्र ही चीज दिखी। मैं ऐसी जगह हूँ जहाँ चारों तरफ सफ़ेद रोशनी है और उस रोशनी में मुझे महादेव के साक्षात्कार हुए। उन्होंने कहा, बेटी जब तुम्हें लगा कि अब ये तुम्हारा अंतिम समय है, ऐसे में भी सिर्फ तुमने मुझे ही याद क्यों किया? तो सुमन कहती है, महादेव मैं बचपन से ही सिर्फ आपको ही मानते आई हूँ, आपकी पूजा करते आई हूँ। मुझे अपने से ज़्यादा आप पर विश्वास है। मुझे यकीन था कि एक न एक दिन आप मुझे दर्शन दे ही देंगे और आज वह दिन आ गया और मैं धन्य हो चुकी हूँ। महादेव शिव के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्होंने अपना हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया तो ठीक अगले ही पल उसने अपने आप को शिव मंदिर में पाया। दरअसल दोस्तों जब सुमन बेहोश हुई थी तो उस समय एक विचित्र नाग, जो सामान्य नाग के मुकाबले में बहुत अलग था, जो करीब 12 फुट लंबा होगा, उसने सुमन को नदी से बाहर निकाला और उसी के सहारे सुमन शिव मंदिर पहुंची थी। मंदिर में मौजूद 2 पुजारी समेत 3 अन्य लोगों ने भी उस नाग को देखा। जब सुमन ने यह घटना खुद पुजारी के मुंह से सुनी कि उसे एक नाग यहाँ लेकर आया है, तो वह समझ चुकी थी कि ये कोई और नहीं बल्कि स्वयं नागदेव थे और महादेव ने ही उसके प्राणों की रक्षा करी थी। दोस्तों महादेव अपने भक्तों के लिए हर समय उनकी रक्षा को तत्पर रहते हैं, इसीलिए महादेव के भक्त कमेंट बॉक्स में महादेव का जयकारा जरूर लगाइएगा।